लास्ट के वीडियोस में हमने देखा है कि जो प्लांट्स है खुद को सर्वाइव करने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं वो हमने देखा है, और इस वीडियो में हम देखेंगे उसके जो एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन आंसर से वो देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वॉट आर अडेप्टेशन? द स्पेशल फीचर दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज अडेप्टेशन। इट मीन्स जो भी एनिमल एंड प्लांट है वो जो है वो पर्टिकुलर एरिया में खुद को सर्वाइव करने के लिए उनमें जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर एरिया में खुद को सर्वाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उसे कहते हैं अडेप्टेशन। नेक्स्ट इज नेम द टू कैटेगरीज इन टू विच प्लांट्स हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट डिफाइंड ईच। जैसे कि प्लांट्स के टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनके हैबिटेट से और उनके डेफिनेशंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, सेकेंड इज एक्वाटिक प्लांट्स। सो व्हाट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो प्लांट लैंड पर ग्रो होते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है। एंड व्हाट इज एक्वाटिक प्लांट? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट। जो प्लांट्स पानी में जिनकी ग्रोथ होती है उन्हें कहा गया है एक्वाटिक प्लांट। थर्ड वन, गिव एडेप्टेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन। फर्स्ट इज हिल्स, सेकेंड इज डेजर्ट एंड मार्शी प्लेसेस। पहले हिल्स के देखेंगे। प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स। जो हिली एरिया में जिस प्लांट्स की ग्रोथ होती है उनके क्या एडेप्टेशन से क्या स्पेशल फीचर्स है वो हम देखेंगे। ट्रीज लाइक फर, पाइन एंड सेडर ग्रो इन हिली एरियाज एंड ऑन माउंटेन्स। दिस ट्रीज आर टॉल स्ट्रेट एंड कोनिकल टू अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन इजिली। ये जो माउंटेनियन हिली एरियाज में जो ट्रीज जिनकी ग्रोथ होती है वो कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और उनकी उनका जो शेप होता है वो ऐसे होता है, कोनिकल शेप में होता है, जो कि अगर स्नो गिरती है तो क्या होगी, ऐसे होने की वजह से स्नो इजीली वो स्लाइड आउट हो जाएगी। देयर लीव्स आर ऐसे एंडेडेड लाइक सो दैट दे लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड शेड स्नो विदाउट डिफिकल्टी। और जैसे कि इसके जो लीव्स है वो कैसे होते हैं, वैक्सी एंड नीडल शेप के होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्नोफॉल होता है उनके जो लीव्स से है वैक्सी होने की वजह से उस पर से इजीली स्लाइड डाउन हो जाते हैं, और उनकी उन्हें कुछ डिफिकल्टी नहीं होती। जैसे फूड तैयार करने के लिए उन्हें फूड प्रिपरेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है तो वो ईजिली उनको मिल पाता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट। Plants adapted to grow in desert. Plants like cactus, date palm and prickly pears grow in desert. Desert में grow होने वाले plants कौन से examples है? Cactus, date palm and prickly pears. These plants are adapted to survive with least amount of water. जैसे कि desert area में पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से ये प्लांट्स क्या है खुद को अडॉप्ट कर लिया है कि कम पानी में भी इनकी ग्रोथ होती है। इन सच प्लांट्स द लीव्स आर आइदर रिड्यूस टू स्पाइंस और आर अब्सेंट। जैसे कि ये जो प्लांट्स है इन प्लांट्स में क्या होते हैं, लीव्स तो होते हैं बट वो स्पाइंस में जैसे कि थॉर्न्स है उसमें रिड्यूस होते हैं और अदरवाइज उसके लीव्स होते ही नहीं है। द सेम इज ग्रीन and perform photosynthesis and also stores food and water for the plant. जैसे कि thorn leaves reduce हुए हैं spines में but उनका जो green stem होती है जो हमें green part दिखता है
मार्शी प्लेसेस मैंग्रोव ट्रीज, इसका एक कॉमन एग्जांपल है मैंग्रोव ट्री. द रूट्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन सच एरियाज डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर. इसके जो रूट्स है मार्शी प्लेसेस में ग्रो कर, जिन प्लांट की ग्रोथ होती है स्ट्री की जैसे ग्रोथ होती है उसके रूट्स हमने देखे हैं कि ऊपर फैले हुए होते हैं, मतलब जमीन के अंदर नहीं होते तो जमीन के ऊपर होते हैं. बिकॉज यहाँ मार्शी एरियाज में सॉइल स्टिकी होती है, स्टिकी होने की वजह से ये जो इसके रूट्स है वो उनको एयर नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से वो हमें ऊपर दिखाई देते हैं. Thus, these plants develop and give out breathing roots that help them to breathe. जैसे कि हम अदर प्लांट्स के रूट्स है वो जमीन में होते हैं, वहाँ पर थोड़ी एयर एयर होती है क्योंकि वहाँ की सॉइल थोड़ी सी ऐसे हल्की होती है, बट यहाँ पर स्टिकी होने की वजह से मर्शी प्लेस होने की वजह से स्टिकी होने की वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और उनके जो रूट्स है वो हमें ब्रीदिंग करने के लिए बाहर आए हुए हमें दिखाई देते हैं. ओके, 420. हाउ इज वाटर लेट्यूस एडेप्टेड टू ग्रो इन वाटर. ओके, द आंसर इज वाटर लेट्यूस हैज अ फाइब्रस रूट सिस्टम बट इट इज नॉट फिक्स्ड एट बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. जैसे कि वाटर लेट्यूस जो है ये हमने जैसे देखा है ये क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है. तो इस एक्वेटिक प्लांट ये जो वाटर लेट्यूस है ये फाइबर रूट सिस्टम, इनमें फाइबर रूट सिस्टम होती है जो कि पूरी तरह पानी के नीचे नहीं रह रही होती है, वो पानी के सरफेस पे ही होती है. आगे देखते हैं, इट्स रूट्स जस्ट फ्लोट बिलो द सरफेस. जैसे कि पानी है, पानी के सरफेस के नीचे ही उसकी जो रूट्स है वो हमें दिखाई देते हैं फ्लोट होते हुए. इट हैज फ्लोटिंग लीव्स व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में इसकी पिक्चर्स देखे हैं, वाटर लेट्यूस जो है वो पानी में होते हैं, बट पानी में होने पर भी वो कैसे होते हैं, उनके रूट जो है डीपली पानी में नहीं होते हैं तो सिर्फ वो सरफेस पे हमें ऐसे सरफेस पे फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं. और जो उसके लीव्स होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चालू होती है और जैसे कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं. जैसे हमने पिक्चर में अगर हम देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में तो वो सनलाइट ट्रैप करते हैं, वहीं पर उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एज दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज एक्सपोज टू सनलाइट. जैसे कि हमें पता है क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और क्लोरोफिल होने पर ही सनलाइट ट्रैप किया जाता है. तो सेम प्रोसेस यहीं पर भी हो रही है वाटर लेट्यूस के बारे में. द प्लांट इज लाइट एंड स्पॉन्जी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग. तो ये जो प्लांट है वाटर लेट्यूस जो है वो कैसे है, लाइट है, वजन में हल्का है, स्पॉन्जी है जो कि फ्लोटिंग के लिए इनको हेल्प होती है. फिफ्थ वन इज व्हाट आर अंडर वाटर प्लांट्स. व्हाट आर द अंडर वाटर प्लांट्स, हाउ आर दे अडेप्टेड टू ग्रो अंडर वाटर. अंडर वाटर प्लांट क्या है एंड हाउ आर दे अडेप्टेड टू ग्रो अंडर वाटर, मतलब उनमें उनमें क्या अडेप्टेशन है अंडर वाटर होने की वजह से. सी प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, क्या एग्जांपल्स है देखो अंडर वाटर के, हाइड्रिला कॉर्नवीड एंड टेप ग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स. सच प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर एंड हैव अ थीन रिबन लाइक नैरो लीव्स. ये प्लांट्स जो है हाइड्रिला टेप ग्रास एंड कॉर्नवीड ये पूरी तरह पानी के अंदर इनकी ग्रोथ होती है, वो हमें ऊपर उसके कुछ भी कुछ हमें ऊपर नहीं दिखाई देते हैं. और ये जो है हैव अ थीन रिबन लाइक नैरो लीव्स और इसके लीव्स कैसे होते हैं, एकदम थीन होते हैं और रिबन की तरह होते हैं. देयर इज नो स्टोमाटा इन देयर लीव्स. जैसे कि हमने देखा है लीव्स अगर ग्रीन होते हैं तो ही उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो ही उनमें स्टोमाटा होता है, मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है. बट इनमें देयर इज नो स्टोमाटा इन देयर लीव्स. ग्रीन ये पानी के अंदर है बट उसमें क्या नहीं है, स्टोमाटा नहीं है. तो देखो इनकी ग्रोथ कैसे होती है, दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड
out by the aquatic animals through their body surface to prepare food. जैसे कि aquatic animal है, for example fish है, fish किसके through breathing करते हैं? Gills के through breathing करते हैं. तो जब fish breathing करते हैं gills के through, तो carbon dioxide exhale करते हैं and oxygen inhale करते हैं. तो वही carbon dioxide ये जो underwater plant है वो क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं एंड अपनी ग्रोथ को वो चालू रखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेम सम प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. कौन से ऐसे प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल है ही नहीं? मशरूम, मॉस एंड बीच ड्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल. ओके, ये ऐसे प्लांट है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ये ग्रीन नहीं है. क्लोरोफिल नहीं, इट मींस ग्रीन नहीं है. बट इनकी ग्रोथ कैसी होती है? यस, डेड एंड डिकम्पोज एनिमल्स एंड प्लांट्स पर इन नॉन ग्रीन प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है जिनमें क्लोरोफिल नहीं है. हाउ इज द लीफ ऑफ पीचर प्लांट मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट. पीचर प्लांट पिक्चर देखा है अपने टेक्स्ट बुक में जो है उसका, वो कैसे दिखाई देता है? पीचर की तरह हमें दिखाई देता है. इन अ पीचर प्लांट द लीव इज मॉडिफाइड इनटू अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर. हमने उसका स्ट्रक्चर देखा है, राइट? द लीव टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लीव व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ अ पीचर. जैसे कि हमने उसका पिक्चर देखा है, उसकी जो ऊपर की लीड होती है वो ओपन एंड क्लोज होती रहती है. ओके, वंस एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड. जैसे कि इसका जैसे हमने देखा है पिक्चर, पिक्चर का स्ट्रक्चर कैसे है, एकदम पिक्चर के जैसे है. और उसके ऊपर की जो टिप है लीव की वो क्या ओपन एंड क्लोज होती रहती है. जैसे ओपन हुई वहां पर अगर इंसेक्ट बैठता है, उससे इंसेक्ट बैठने के बाद वो क्लोज हो जाता है एंड इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर ट्रैप इनसाइड दिस पीचर प्लांट. ओके ओके, इस वीडियो में हमारा ये जो है क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट कवर अप हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट ये हमारे थोड़े लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स है तो इसको अच्छे तरह से